अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई रियली होप आप लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं कर रही हूँ अपने बालों को स्ट्रेट, और देख सकते हो मैंने न्यू ड्रेस पहना है। दैट मीन्स मैं कहीं निकल रही हूँ सुबह सुबह। तो आज है मेरे कॉलेज में सरस्वती पूजा इवेंट, तो हमें सबको बुलाया गया है, तो इसलिए मैं रेडी हो रही हूँ। लास्ट ईयर भी मैं अटेंड नहीं की थी, और इससे पहले जो मैं ग्रेजुएशन वाले कॉलेज में थी उसमें भी मैंने लाइफ में कभी कोई सरस्वती पूजा अटेंड नहीं किया। मेरे स्कूल में तो मेरे स्कूल क्रिश्चियन स्कूल था, तो उसमें तो होता ही नहीं था। फिर कॉलेज जो बंगाली कॉलेज थी जहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन किया था, तो उसमें भी मैं नहीं जा पाई थी कभी। तो ये लास्ट ईयर बचा है मेरा MBA का, कुछ ही महीनों में ख़त्म हो जाएगा, तो मैं इसको मिस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि फिर पता नहीं ये दिन कभी आएगा नहीं आएगा, तो क्यों ना अटेंड कर ले। तो मैंने अपनी बेस्टी को बोला था कि मेरे साथ चलो मेरे कॉलेज, बट वो नहीं गई, तो मैं अकेले निकल गई। और साथ में कॉलेज में मेरी फ्रेंड आ रही है कंचन, तो उसने भी बोला कि चलो फिर, तो मैंने बोला ठीक है चलो। तो मैं यहाँ पे साड़ी नहीं पहनी हूँ। आज के दिन आप देखेंगे कि सब लोग साड़ी पहनते हैं, लेकिन मैंने साड़ी नहीं पहना है, क्योंकि साड़ी तो मैंने ऑलरेडी शादी में बहुत बार वेयर कर लिया था। तो देखो मेरा बस भी आ गया है, और साड़ी मैंने वेयर कर लिया था काफ़ी बार, तो इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा था। और बहुत दूर का सफ़र है ना मेरे कॉलेज का, तो इसलिए मैंने साड़ी आज नहीं पहना है कि मैं चलो कंफर्टेबल क्लोथ में ही जाऊंगी जिसमें मैं कंफर्टेबल रहूँ। साड़ी में मतलब बस में साड़ी पहन के जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और संभालना काफ़ी सारी लड़कियों का ना बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया था कॉलेज में। किसी का पिन खुल गया था, किसी की साड़ी खुल जा रही थी, तो अच्छा हुआ, मैं सोच रही थी कि अच्छा हुआ कि मैं नहीं पहन के आई हूँ। तो मैं ये वाला जो है गाउन पहन कर गई थी, एंड देख सकते हो बस बिल्कुल खाली है। तो यहाँ से मैं बस लेती हूँ कॉलेज के लिए, और बस बिल्कुल खाली मिल जाता है। तो चलिए अपना सफ़र शुरू करते हैं, और कॉलेज में क्या क्या होता है सब मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और साथ में आज मेरा वैलेंटाइंस डे कैसा जाता है, क्योंकि आज 14 फेब भी ना, तो मेरा वैलेंटाइंस डे कैसा जाता है ये भी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, तो बने रहना। ठंड बिल्कुल जा चुका है और गर्मी आ चुकी है, और 1.5 घंटे के बाद सफ़र करके मैं पहुंच चुकी हूं कॉलेज। कंचन काफ़ी देर से आई थी, तो फाइनली पहुंच गई। तो हम लोग एंटर कर रहे हैं पैंडल में, जो हमारे कॉलेज के बाहर में ही बहुत खूबसूरत से बनाया गया है, तो सारे इको फ्रेंडली चीज़ों से बहुत अच्छे से बनाया है, ये आप देख सकते हैं। क्या शॉर्ट्स व्लॉग नहीं, लॉन्ग व्लॉग। वाह, कितना खूबसूरत बनाया है। हाँ तो इस पैनल को काफ़ी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, वाइट एंड येलो का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे फ्लावर्स आप पीछे देख सकते हो, टोकरियों से सजाया है, एंड बहुत ज़्यादा खूबसूरत, मतलब यहाँ पे एक अलग ही वाइब्स आ रही थी, एंड वाइट चेयर्स लगाए थे। और अभी जो है कंचन का फोटोशूट जो स्टार्ट होगा, तो मैंने सोचा पहले खा लेते हैं उसके, क्योंकि एनर्जी ख़त्म हो गई इतनी दूर से आके, तो मैंने बोला पहले चलो कुछ खा लें, उसके बाद तुमको जितना फ़ोटोशूट करना है करना। तो अभी कंचन जा रही है अपनी सरस्वती माँ के दर्शन करने के लिए, वहाँ पर जाके उसके बाद हम लोग खाना लेंगे और खाएँगे। तो यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड था, मेरा नहीं कंचन का एक फ्रेंड था, जो यहाँ पे आके मेरा भी फ्रेंड बन गया, तो वो ही शूट कर दे रहा था, काफ़ी हेल्प किया, और उसके फ़ोन से काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ भी आए आज मेरे। मैं वीडियो के एंड में आपको लगा दूँगी, आप लोग देख लेना, काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ आए हैं। तो अभी हम लोग निकलेंगे खाना खाने के लिए। सब वेजिटेरियन खाने बनते हैं, तो आपको बताती हूँ। यहाँ पे है खिचड़ी, बैगन भाजा, दम आलू, और मतलब ये कोई वेजिटेबल तो मुझे समझ नहीं आया, चटनी, चिप्स, खीर थी, और गुलाब जामुन। तो हमने सब कुछ ट्राई किया, बस बैगन भाजा नहीं ट्राई किया।
पीछे देखो, पीछे पीछे तू देखो। ले ले तो थोड़ा सा दीजिए, बहुत है। ये YouTube के लिए है, Instagram तो बना रहे हैं। सो गाइस, बचपन में अपनी कज़न के साथ जाती थी उसके स्कूल सरस्वती पूजा में, तो ना पूरी और दाल देते थे, तो वो मेरा बेस्ट, मुझे मतलब बेस्ट लगता था सरस्वती पूजा के दिन खाने में। और अभी भी मैं बहुत मिस करती हूँ वो वाला खाना। तो अभी खिचड़ी खा रहे हैं, तो अच्छा था, लेकिन मुझे ना पूरी और दाल बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद खाना पीना खाने के बाद हम लोग एकदम फुल हो गए थे। मैं तो मतलब बहुत ज़्यादा फुल हो गई थी। मैं सोच रही थी कोई मुझे चाय कॉफ़ी दे देता, लेकिन यहाँ पे चाय कॉफ़ी नहीं था, तो हम लोग ने सोचा बाहर जाके पी लेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ पे बैठ के हम लोग गप्पे शप्पे कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था हमें। मैंने सोचा नहीं था कि मैं आज के दिन जाके इतना इन्जॉय करूँगी, और मैं बिल्कुल भी सोच के नहीं आई थी कि किससे मिलूंगी नहीं मिलूंगी, क्योंकि कॉलेज में मेरे ज़्यादा दोस्त हैं नहीं, सिर्फ कंचन के साथ ही गई थी, और उसके इतने सारे फ्रेंड्स ज्वाइन किए थे जिसके साथ बहुत ज़्यादा मस्ती की। आप देख सकते हो मेरी हंसी बननी हो रही है, इतने जोक्स हम लोग मार रहे थे। यहाँ पे फ़ोटोशूट ख़त्म नहीं हो रहा है, तो हमने काफ़ी पिक्चर्स क्लिक करे, आपको वीडियो के एंड में दिखेगा। अब तक आपको अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, न्यू आए हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो और आप आगे क्या देखना चाहते हैं। तो इसके बाद मैं घर आ गई थी, शाम हो गया था काफ़ी ज़्यादा, घर आते आते बहुत लेट हो गई थी। ये सेकेंड डे की क्लिप है। तो सुबह को तो मैं सबसे पहले गर्म पानी ही पीती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत वेट पुट ऑन कर लिया है। सो गाइस, मैं घर आ गई थी कल, और उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। आज सेकेंड डे है, और मैंने सोचा कि आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं, क्योंकि और कुछ है नहीं मेरे पास मैं इस ब्लॉग के साथ ऐड ऑन करने के लिए। और बस इस ब्लॉग को इतना ही रहने देते हैं। मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को आज का ब्लॉग, छोटा सा ब्लॉग, मिनी ब्लॉग। एंड बस अभी मैं जा ही रही थी नहाने, नाश्ता वाश्ता हो गया, अभी मैं नहाने जा रही थी। मेरे हेयर की हालत देख सकते हो, अभी मैं शैम्पू करने वाली हूँ। और तो इस व्लॉग को ये पे एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।